और खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडोर स्टेडियम में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। 3 महीने तक चलने वाले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी 2023 तक चलेंगे। इसका आयोजन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। पारंपरिक खेलों को ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित करने की यह पहल सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से प्रतिभागियों को एक मंच मिलेगा और वहीं उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और खेल भावना का भी विकास होगा। ओलंपिक का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। इसमें कबड्डी, खो खो, लंगड़ी दौड़, फुगड़ी गिल्ली, डंडा, बिल्लस और बाटी भी शामिल है। इसमें आकर्षक इनाम भी घोषित होंगे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खिलाड़ियों के बीच भी पहुंचे और उनका उत्साहवर्धन किया है और उनका परिचय लेकर बेहतर खेल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। 9 दिन तक के नवरात्रि, शारदे नवरात्रि सब लोगों ने मनाया। माँ जगदम्बे को दुर्गा की आराधना, उसके बाद कल दशहरा और जिसमें सब रावण दहन किए, और आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत यहाँ रायपुर इंडोर स्टेडियम से शुरू हम लोग किए। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। आज स्वामी आत्मानंद जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ।